discussing about else if conditions. Next one, we are moving onward switch statements. Else if or if else ke case mein dekha tha previous application mein last example in case of calculator applications. Calculator application case mein apply kiye the multiple if else conditions like a ch equal equal plus ch equal equal minus ch equal equal multiplication or division like that. Is type ke cases mein problems kis type ke base kiye the? Means our program becomes like a complex just because of multiple else if conditions. Means else if ke case mein required kiya the multiple conditions. The multiple complex conditions को reduce करने के लिए use करेंगे switch statement. Switch we can consider as a alternative way of or simplified way of multiple if else conditions. Means अगर किसी programs के अंदर multiple complex if else conditions बार बार repeat हो रहे हैं, बार बार write करने need है, then इस case में use करेंगे switch statements. What is the working of switch? Means किस सिचुएशन में स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए. स्विच के केस में मोस्टली कंडीशंस फॉर रेयर केस में सप्लाई करेंगे, सिंपली सप्लाई करेंगे डायरेक्टली वैल्यू और सम आर्गुमेंट और सम एक्सप्रेशंस लाइक दैट इनसाइड स्विच हेडर. इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैटर्न और वैल्यूज देन यू शुड यूज स्विच स्टेटमेंट. अगर आपको ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट पैटर्न और वैल्यूज के बेसिस पर मैच कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स. स्विच के केस में जनरल पैटर्न मैच कराएंगे एवरी टाइम विद डिफरेंट केसेस, इसलिए इसको स्विच को ऑल्सो कंसिडर किया जाता है एज अ पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट्स. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच? This one is header of the switch, this one is body of the switch. Switch के अंदर always supply करें some arguments. Arguments may be, what do you mean by switch arguments? Switch argument के place पर currently मैंने syntax के according provide किया n. Here n के place पर replace क्या कर सकते? Maybe any value or variables or maybe function calling statement or maybe expressions. इस केस में याद रखना स्विच आर्गुमेंट के अंदर जब भी आप वेरिएबल सप्लाई करो या कोई भी रिजल्ट सप्लाई हुआ, रिजल्ट का टाइप क्या होना चाहिए? आइदर कैरेक्टर और इंटीजर. डेसिमल इस फ्लोटिंग और डबल टाइप्स के रिजल्ट्स और वेरिएबल सप्लाई करना पॉसिबल. मींस एन मे बी ओनली कैरेक्टर और इंटीजर लिटरल और इंटीजर वेरिएबल्स लाइक दैट. इस केस में नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद फॉलो करेंगे केस. स्विच के लिए वेरिएबल्स के केस इसमें क्या क्या हो सकता है इस प्लेस पर? मे बी वेरिएबल्स वैल्यूज एक्सप्रेशंस फंक्शंस लाइक दैट. स्विच के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू सप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन वर्क किसके लिए करेगा? ओनली फॉर लास्ट आर्गुमेंट लाइक इफ कंडीशंस. प्लस इस केस में कंडीशंस की नीड नहीं हुई, डायरेक्टली वैल्यू सप्लाई करोगे तो ये वैल्यू डिफरेंट केस के लेवल से मैच कराना पॉसिबल होगा. सबसे पहले इसका वैल्यू मैच किससे हुआ? केस वन से. देन स्विच के बॉडी पार्ट में ऐड करेंगे मल्टीपल केस लाइक है केस वन केस टू केस थ्री. केस इज अ कीवर्ड, डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड, स्विच इज अ कीवर्ड. लेकिन वन टू क्या है इस केस में? वन टू इज अ कॉन्स्टेंट्स मीन्स लेवल्स कंसिडर करेंगे एज अ लेवल ऑफ द स्विच. दिस वन इज लेवल ऑफ द स्विच. स्विच लेवल के प्लेस पर यूज करेंगे ओनली वैल्यूज नॉट अ वेरिएबल्स. मीन्स फर्स्ट रूल क्या है लेवल्स के लिए? लेवल्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स, इट कैन बी ओनली वैल्यूज. लेवल्स के प्लेस पर ओनली वैल्यू यूज करना पॉसिबल है. मे बी वैल्यूज, मे बी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर टाइप वैल्यू और इंटीजर टाइप्स ऑफ नंबर्स. कैरेक्टर मीन्स लाइक अ प्लस इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट और कैरेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट लाइक दैट. इस तरह से कैरेक्टर्स और इंटीजर्स भी पास करना पॉसिबल है लाइक दैट. देन इस पर्टिकुलर थिंग्स को कंसीडर करेंगे एज अ बॉडी ऑफ दिस वन इज बिकम्स बॉडी ऑफ केस वन. दिस वन इज बॉडी ऑफ केस वन, दिस वन इज बॉडी ऑफ केस टू. बॉडी ऑफ केस टू देन बॉडी ऑफ डिफॉल्ट ब्लॉक, बॉडी ऑफ डिफॉल्ट ब्लॉक और डिफॉल्ट केस. नेम देंगे इसको डिफॉल्ट केस.
Then what is the behavior of switch statement? Switch statement के केस में given value of n, n का value सबसे पहले मैच होगा with case 1 और level 1, means like that, it is simply equivalent to, means सबसे पहले n का value किससे मैच होगा, case और level 1 से, like that, it is simply equivalent to, logically equivalent to if n equal equal 1. अब इसके साथ possible case कितने होंगे, either true or false. अगर n का वैल्यू 1 से मैच होता है देन इस केस में एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा बॉडी ऑफ केस 1 अदरवाइज नेक्स्ट थिंग्स बॉडी ऑफ केस 1 के रिस्पेक्ट में चांस किसको प्रोवाइड होगा गिवन स्टेटमेंट व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट जनरली क्या रहता है नॉर्मली स्विच का बिहेवियर क्या रहता है जैसे ही कोई भी केस मैच होता है के मैचिंग केस मैच होने के जस्ट बाद रिमेनिंग सारे के सारे केस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे ऑल केसेस आफ्टर मैचिंग सर्टेन केस ऑल केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड इस पर्टिकुलर सिचुएशन को नेम देंगे एज अ फॉल इन स्विच और फॉल इन स्विच स्टेटमेंट नेक्स्ट वन किसी भी केस का बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद बाय डिफॉल्ट कंट्रोल कहां सेंड होगा नेक्स्ट केस और इनसाइड बॉडी ऑफ नेक्स्ट केस अगर आप चाहते हो इस केस में स्विच के बॉडी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना देन इस केस में यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट मींस स्विच के बॉडी पार्ट का अगर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना एट एनी टाइम देन यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट नेक्स्ट वन दूसरा पॉसिबल केस क्या है इस केस में या तो कंडीशन ट्रू है कंडीशन फॉल्स होगा अगर कंडीशन फॉल्स है देन सेम वैल्यू ऑफ n मैच किस होगा केस 2 से इट इज लाइक अ सिम समवट सिमिलर टू एल्स इफ वैल्यू ऑफ n इक्वल इक्वल्स टू लेवल ऑफ केस 2 केस सेकेंड केस में लेवल क्या है 2 इसलिए मैच किससे होगा 2 से अगर स्पेस पर 10 होता है तो मैच किससे होता है 10 से इसे जरूरी नहीं कि इस लेवल हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए कोई भी सीक्वेंस या कोई भी लेवल वैल्यू यूज करना पॉसिबल है एनी कैरेक्टर इनसाइड सिंगल कोट और एनी इंटीजर नंबर्स नेक्स्ट अगेन अगर सेकंड मींस फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन किसको चांस मिलेगा सेकंड कंडीशंस को तो सेकंड केस में अगर n का वैल्यू का 2 से मैच होता है देन चांस प्रोवाइड होगा स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हिच इज पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ केस 2 मींस केस 2 का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगेन क्या फाउंड हो रहा ब्रेक अगर ब्रेक नहीं होगा देन इस केस में चांस किसको मिलेगा डायरेक्टली नेक्स्ट केस और नेक्स्ट लेवल देन लेकिन ब्रेक के जस्ट बाद कंट्रोल एवरी टाइम कंसेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच मीन जब भी ब्रेक को चांस मिले ब्रेक से ऑलवेज कंट्रोल कंसेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स ब्रेक के केस में प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक ओनली टू प्लेसेस पर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है टू प्लेसेस पर यूज करना पॉसिबल आइदर इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट और इनसाइड बॉडी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट आउटसाइड स्विच और आउटसाइड लूप यूज करना पॉसिबल नहीं है इसका सिंपली वर्किंग क्या है टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच और टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स नेक्स्ट वन बट सपोज दैट अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है सेकंड भी फॉल्स मींस अगर एन का वैल्यू केस 1 से भी मैच नहीं हो रहा केस 2 से भी मैच नहीं हो रहा और रिमेनिंग जितने भी केसेस हैं किसी भी केस से अगर एन का वैल्यू मैच नहीं होता है देन उस केस में चांस किसको मिलेगा डिफॉल्ट ब्लॉक डिफॉल्ट इज सिमिलर टू एल्स ब्लॉक इफ नन ऑफ मैचिंग केस इज फाउंड then default will default block going to be executed is similarly default block ke andar multiple statements provide karna possible hai like a statement end or dot dot body of default case this is the general behavior of switch statement this is a syntax regarding kuch rules hai jo ki next session mein describe karunga one by one in brief brief idea kya is case mein first one variable वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए आइदर कैरेक्टर और इंटीजर मींस इस टाइप इस प्लेस पर कभी फ्लोट और डबल टाइप के वैल्यू पास करना पॉसिबल अगर इस प्लेस पर यूज कर दें लाइक 1.0 इट इज इनवैलिड लेकिन अगर यूज कर दें ओनली 1 देन इट इज वैलिड सिमिलरली केस 1 लेवल्स के प्लेस पर यूज क्या करेंगे ओनली कॉन्स्टेंट्स लेवल्स के प्लेसेस पर कभी भी वेरिएबल्स यूज करना पॉसिबल नहीं अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर लेवल्स के प्लेस पर एक्सप्रेशंस यूज करना पॉसिबल होगा नेक्स्ट वन अगर कोई भी केस मैच होता है मैचिंग केस के जस्ट बाद रिमेनिंग सारे केस तब तक एग्जीक्यूट होंगे या तो जब तक स्विच का बॉडी क्लोज ना हो जाए या फिर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर ना हो जाए सपोज दैट अगर लेवल वैल्यू एन का वैल्यू अगर केस 2 से मैच होता है और अगर मैं इस प्लेस पर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ देन इस केस में केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा मीन्स केस 2 का भी बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट है प्लस डिफॉल्ट ब्लॉक का भी बॉडी सेशन एग्जीक्यूट होगा
नेक्स्ट वन डिफॉल्ट ब्लॉक के रिगार्डिंग बात करूँ, मीन्स नेक्स्ट वन केस, किसी भी स्विच के अंदर मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल, नॉट ओनली सिंगल स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट, मीन्स केस में भी जीरो और एन टाइम्स ऑफ केस, एन नंबर ऑफ स्विच लेवल्स और केस लेवल्स प्रोवाइड करना पॉसिबल है. नेक्स्ट वन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कैन बी प्लेस्ड एनी वेयर इन द स्विच नॉट ओनली एंड बट लॉजिकली प्रोवाइडेड टू एज अ एंड स्टेटमेंट. डिफॉल्ट केस किसी भी प्लेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल हुआ, मे बी टॉप ऑफ द मीन्स बिगिनिंग ऑफ द स्विच, मिडिल ऑफ द स्विच और एंड ऑफ द स्विच, बट लॉजिकली इट मस्ट बी प्लेस्ड एज अ लास्ट केस. डिफॉल्ट लास्ट केस इसलिए डिफॉल्ट के केस में ब्रेक स्टेटमेंट राइट करने की नीड नहीं होगी, लॉजिकली नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन स्विच के केस में कभी भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट करने की नीड नहीं है, लाइक दैट सिंपली क्लोज केस हो रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग. अदर रूल्स रिगार्डिंग स्विच केस, स्विच के केस में आउटसाइड केस मीन्स लाइक दैट सपोज दैट मैंने केस के बाहर कोई स्टेटमेंट प्लेस किया लाइक अ स्टेटमेंट एस जीरो, इट इज ऑल्सो वैलिड, मीन्स केस के बाहर भी स्टेटमेंट राइट करना पॉसिबल, लेकिन स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं, इट विल नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसलिए लॉजिकल इस टाइप के स्टेटमेंट कैसे इनकरेक्ट नॉट रिक्वायर्ड. देन व्हाट इज द फ्लोचार्ट डायग्राम करेस्पॉन्डिंग गिवन सिंटैक्स, गिवन सिंटैक्स के केस में फ्लोचार्ट डायग्राम सबसे पहले एन का वैल्यू मैच किस हो रहा है केस वन से, सिमिलरली इफ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू केस वन, अगर एन का वैल्यू केस वन के इक्वलेंट है देन चांस किसको मिलेगा, दैट पार्ट मीन्स बॉडी ऑफ केस वन, दिस थिंग इज बॉडी ऑफ केस वन, केस वन में प्रोवाइड किया गया सिंपली एस वन और एस टू आर रिमेनिंग स्टेटमेंट. देन इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है, सपोज दैट केस वन को चांस प्रोवाइड होने के बाद जस्ट ब्रेक के अकॉर्डिंग कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच मीन्स एग्जिट पार्ट, एग्जिट देयरफॉर इस केस में अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू मीन्स अगर एन का वैल्यू केस वन से मैच हो रहा देन एस वन मीन्स केस वन का बॉडी पार्ट एग्जिट होने जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड पूरा मीन्स एग्जिट. दूसरा केस क्या रहेगा, अगर केस वन से इसका वैल्यू मैच नहीं हो रहा मीन्स कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा केस टू, तो इस केस में फॉल्स के केस में मैच क्या हो रहा है केस टू, केस टू के केस में पॉसिबल केस क्या आइदर ट्रू आइदर फॉल्स और फॉल्स, अगर ट्रू है देन अगेन एग्जीक्यूशन इसका बॉडी ऑफ केस टू मीन्स एस थ्री एस फोर, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के बाद चांस किसको मिलेगा डिफॉल्ट, इसलिए फॉल्स के केस में चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया स्टेटमेंट एन, देन रिमेनिंग केस टू मैच होने वाला है डिफॉल्ट के बाद भी सभी केस में कंट्रोल का सेंड हुआ एग्जिट पार्ट. दिस इज कंप्लीट ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट. इन नेक्स्ट सेशन वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल रूल्स रिलेटेड टू स्विच स्टेटमेंट.